और सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं AIGUC की तरफ से यहाँ पर 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लीडर्स मौजूद हैं, उन सबका आप सबकी तरफ से स्वागत करना चाहती हूँ इस मौके पर। सब अपनी व्यस्तता से, बिजी प्रोग्राम से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि सब ये समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो वर्किंग क्लास के सामने आज चुनौतियाँ हैं, उसमें हम सब लोगों को एक साथ चलना है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी पे हम एक साथ जरूर इकट्ठा होंगे। और ये स्पिरिट समझते हुए साथियों ने समय निकाला और AIGUC सेंटेनरी के इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि AIGUC सेंटेनरी केवल AIGUC की बगौती या मोनोपोली नहीं है। जब तक दूसरे राष्ट्रीय संगठन नहीं बने थे, तो जितना मजदूर वर्ग का इतिहास है, उसकी विरासत पे उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमारा सबका अधिकार है। इसलिए उस अधिकार से भी सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे IMU के सुल्तान जी जो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे निमंत्रण पे डगमर वल्तान नहीं आ सकती थी, जो डायरेक्टर थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि IMU की भी 100वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम वो लगातार ले रहे हैं, और एटक का भी तब से ही बंद करके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए IMU को शामिल होना चाहिए और वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के बहुत ही वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर और पूरे देश में जाने माने जाने वाले कार्निक जी रिसेप्शन कमेटी का चेयरपर्सन बनने के लिए तैयार हुए। इतनी नासाज हालत में भी आज वो हमारे बीच में हैं, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। वो हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके बिहाफ पे जो ड्यूटी चेयरपर्सन है रिसेप्शन कमेटी के, पाटिल जी, उन्होंने यहाँ पर स्वागत भाषण की बात की। आज जब हम 99 वर्ष के हो गए AIGU से, 100वें वर्ष में दाखिल हो गई सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम कह रहे, पूरा साल भर हम कार्यक्रम करेंगे। जो चुनौतियां हैं वर्किंग क्लास के सामने, उसके बारे में सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, प्रोसेशंस, एग्जीबिशंस, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये सब सिलसिला चलता रहेगा। पब्लिकेशंस भी होंगे, उस कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन आज के इस मौके के ऊपर हमें एसर्ट करना है कि हिंदुस्तान में मजदूर आंदोलन जो उठा, जो वर्कर्स की स्ट्रगल हुई, उस वर्कर्स की स्ट्रगल ने हिंदुस्तान के विदेशी हुक्मरानों के विरुद्ध आंदोलन को पैदा करने में, मजबूत करने में, उसकी धार तेज करने में, उसकी दिशा को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया हिंदुस्तान।